हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आपसे बात करने वाला हूँ एक गलती को लेकर के, जो हम लोग टिकट बुक करते हुए कर देते हैं और अमूमन हमारे टिकट के पैसे कट जाते हैं और सीट हमें नहीं मिलती है। फिर हम दोष लगाते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों को, बट गलती हम खुद कर रहे होते हैं। देखिए, पार्शियल पेमेंट के ऊपर मैंने आज से पहले कई बार आप लोगों से बात की है और आपको ये भी बताया है कि क्यों पार्शियल पेमेंट होती है, पार्शियल पेमेंट को अवॉइड कैसे करते हैं। आई होप वो सब वीडियो आप लोगों ने देखी हैं और उन सब के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो। बट एक गलती और है, वो गलती हमारी एक तरीके से नहीं है और है भी, बट ज़्यादा एंड पर वो IRCTC की तरफ से गलती है। मतलब IRCTC की वेबसाइट में एक बग रहता है ये, ठीक है। अब वो क्या है एग्जैक्टली, अब देखिए IRCTC में ये जो वेबसाइट में बग है, ये करीबन 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब आज तक ठीक नहीं करा है, अब आने वाले वक्त में कब ठीक करेंगे नहीं पता। तो वही टू बी ऑन अ बेस्ट साइड, एक काम करते हैं, हम अपनी गलती मानते हुए खुद में सुधार कर लेते हैं। भाई IRCTC कब करेगा राम जाने, एक ये बेसिक वाला केस हो रहा है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग देखिए अगेन, हर इंसान को पसंद है लोअर सीट पर बैठ के ट्रैवल करना कि भाई मैं जाऊँ तो मैं लोअर सीट पर जाऊँ। अपना मस्त टिकट बुक करते वक्त हम लोग आराम से लोअर सीट की प्रेफरेंस डालते हैं, किसी एक साइड डोर मिल जाए या लोअर सीट मिल जाए, ठीक है, इस टाइप की प्रेफरेंस डालते हैं। और आप अकेले तो ऐसे नहीं हो ना जो ये कर रहे हैं। एक ट्रेन में 1000 लोग ट्रेवल कर रहे हैं और 1000 में से 800 लोग लोअर सीट की प्रेफरेंस डालते हैं, तो भैया सर्वर भी किस किस को दे। मेरे कहने का मतलब है जनरली लोअर सीट का कोटा फुल हो चुका होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, टिकट बुक कर देते हैं। अब एक ना कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो या आप अपना फॉर्म वगैरह भरते हो, उस तरीके से फॉर्म भरते हो, यहाँ पे आप करते हो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। हाँ भैया, स्लीपर में टिकट बुक कराया है और मिल जाए हमें फर्स्ट AC का टिकट, अच्छा। दूसरा आप करते हो बुक ओनली इफ कन्फर्म सीट्स अलॉटेड, अदरवाइज मेरी टिकट बुक मत करना। इसको टिक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। दूसरा, अगर आप कुछ लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे डालते हो प्रेफर्ड कोच ID कि भाई मेरे को तो S9 में जगह चाहिए, टिकट चाहिए, तो आप S9 डाल देते हो यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ आ रहा है बर्थ अलॉटमेंट के लिए, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसमें से जो है आप टिक करते हो 3rd या 4th में से किसी एक को। बुक ओनली इफ एट लीस्ट 1 lower berth अलॉटेड या बुक ओनली इफ 2 lower berth अलॉटेड, आप सिस्टम को ये कमांड दे देते हो। ये कमांड देते ही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे ना एक प्रोसेस क्या शुरू होता है, देखिए अगर लोअर सीट अवेलेबल नहीं है, हमें तो नहीं पता ना अवेलेबल है या नहीं है, बट इसके सिस्टम को IRCTC को तो पता है लोअर सीट अवेलेबल है या नहीं है, और आपने यहाँ कमांड दे दी बुक ओनली इफ लोअर 1 seat या 2 seat अलॉटेड। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, पेमेंट की तरफ बढ़ोगे, आपका पेमेंट प्रोसेस होगी, तो ये सिस्टम में एक एरर है। वो क्या करता है, ये जो फिल्टर है ना आपने जो लगाया है लोअर सीट वाला, ये आपकी पेमेंट डेबिट होने के बाद अप्लाई करता है। एक बार आपकी पेमेंट डेबिट हो जाएगी उसके बाद ही चेक करेगा लोअर सीट अलॉटेड या नहीं अलॉटेड। अब जैसे ही आपकी सीट मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, तो पेमेंट तो आपकी डेबिट हो गई और ये आपसे पॉपअप, एक पॉपअप विंडो आ जाएगी कि लोअर सीट अवेलेबल नहीं है, क्या आप उसके अलावा लेना चाहेंगे। आप करोगे कैंसिल, ये आपकी सीट बुक नहीं करेगा, पेमेंट डेबिट हो चुकी है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इसके अंदर। कैसे बचें इससे, ये भी बता दो, जो वीडियो बना के बता रहे हो तो बड़ा सिंपल है। जब भी आप ये देखो कि ट्रेन के अंदर सीटें कम अवेलेबल हैं, मतलब कम सीटें हैं, ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं, 25-30 सीटें ही खाली हैं, ये वाली हरकत ना करो। ये बुक ओनली इफ लोअर सीट अलॉटेड ये सब मत करो। ये सब तब अच्छा लगता है जब 200-300 सीटें खाली पड़ी हों, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि कुछ लोअर हो सकते हैं, अदरवाइज इसके चक्कर मत पड़ो। और बल्कि मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप इसको हमेशा नन ही रखो, इसमें से इन 4ों में से हमेशा नन रखो। आपको अपनी प्रेफरेंस डालनी है, आप यहाँ अपनी प्रेफरेंस डाल दो, सफिशियंट है। बिकॉज जो ऊपर वाली प्रेफरेंस है उसमें क्या है कि अगर का मतलब क्या है कि अगर लोअर अवेलेबल है तो लोअर दे दो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो जो है वो दे दो। जो नीचे का फिल्टर लग रहा है वो बुकिंग सस्पेंड पे आ जाता है सीधा, क्योंकि वो सब मेजर फिल्टर लगा दिया आपने कि अगर मुझे लोअर ही चाहिए वरना मैं टिकट बुक नहीं करूँगा। बेसिक
इस तरह आप याद रखो। तो माई सजेशन, जो कि मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा इसको नन रखता हूँ अनलेस एंड अंटिल मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। एक मैं अगर कभी मान लीजिए हम एक बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं सेकंड ऑप्शन जरूर से टिक करके चलता हूँ, बुक ओनली इफ ऑल बर्ड्स आर अलॉटेड इन द सेम कोच। स्टिल अगर वो ट्रेन भरी हुई है, नियर टू वेटिंग है, वेटिंग चल रही है, तो भी मैं इस चीज़ को अलॉट नहीं लेता, बिकॉज उसके बाद अगर वेटिंग कन्फर्म होने के बाद वैसे भी आपकी सीटें जो है कहाँ आएंगी आप गॉड नोज। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, भूल जाते हैं हम लोग, और शायद ये वीडियो IRCTC तक पहुँच जाए तो यार इस फ्लॉ को ठीक करो, अदरवाइज़ इनके बारे में थोड़ा समझाओ लोगों को। आपने ये डाल तो रखे हैं लेकिन सिस्टम क्या करता है। अब हो सकता है कि कोई ऑफिशियल इसके ऊपर ये कहे कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, तो मेरे साथ पर्सनली ये हो चुका है। दिल्ली से कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की टिकट बुक कर रहा था और हर बार मैं ये सेलेक्ट करता था बुक ओनली इफ लोअर सीट अलॉटेड, और हर बार मेरी पार्शियल पेमेंट, चार बार लगातार मेरी पार्शियल पेमेंट हुई है, बिकॉज जो पॉपअप आता था उस पॉपअप को मैं कैंसिल कर देता था कि नहीं मुझे तो लोअर ही चाहिए। सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान जो है रख करके चलना पड़ेगा। फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक जुड़े रहना चैनल के साथ, लाइक कर दो, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शिवम कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।